सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए पहले सभी मिलकर के एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पालें पोसें कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया। ओ देशवासियों, ओ देशवासियों, ओ देशवासियों, देखो जरा तुम प्यार से ले ही न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के, ले ही न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के, पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। ओ देशवासियों, कहती है देखो माँ पुकार के, ले ही न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के, पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। कृषि को व्यापारियों, धन के खजाने तुम भी खोल दो, कृषि को व्यापारियों, धन के खजाने तुम भी खोल दो, गेहूं धान सोना चांदी देश की मिट्टी के भाव तोल दो, गेहूं धान सोना चांदी वतन की मिट्टी के भाव तोल दो, सारे मिलकर एक हो जाएं, सारे मिलकर एक हो जाएं, शक्ति आज दिखाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय आएंगे बाधा बनकर भय और प्रलोभन तेरे वास्ते, आएंगे बाधा बनकर भय और प्रलोभन तेरे वास्ते,
प्राणों में प्रण को भर के दे देंगे जान वतन के वास्ते, प्राणों में प्रण को भर के दे देंगे जान वतन के वास्ते। देश आज बलिदान मांगता, देश आज बलिदान मांगता, अपना शीश चढ़ाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो। ओ प्यारे सैनिको, ओ प्यारे सैनिको, उठा लो बंदूकें अपनी चूम के। ओ प्यारे सैनिको, उठा लो बंदूकें अपनी चूम के। शत्रु का सफाया कर दो, रण में दिखा दो जरा झूम के। शत्रु का सफाया कर दो, रण में दिखा दो जरा झूम के। शत्रु सामने जो भी आए, शत्रु सामने जो भी आए, वो पानी मांग न पाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिस दिन के लिए देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। बोलिए भारत माता की, वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय आदरणीय भाई सुमेर सिंह जी, जिन्होंने आप सबको हरिद्वार में लाकर के योग की गंगा में नहला दिया, तो आपको बड़ा उपकार मानना चाहिए भाई साहब का। और इनके साथ ही हमारे आदरणीय भाई संजय जी बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे को बहुत शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं भारत के भाग्य के। शुभ इसलिए दिखाई दे रहे हैं, योगी और योद्धा दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। जो योद्धा हैं वो योगी बन रहे हैं, और जो योगी हैं वो योद्धा बन रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। जो योगी होता है वही योद्धा हो सकता है, और जो योद्धा होता है वो अपने आप में योगी ही होता है। आप योगी हैं पहले से ही। वैसे मैं सोच रही थी आज सुबह सुबह आप लोगों को, तो क्योंकि आप तो बहुत ही विकट परिस्थितियों में रहते हैं, इसलिए आपको तो शायद यहां थोड़ा कम लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, मतलब रिलैक्स लग रहा होगा आपको। पर मुझे ये लग रहा था कि कितना कठिन काम है। देखो ये बेचारे जवान जो हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि जिन लोगों को आदत नहीं होती है ना, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको सुबह से शाम तक बैठने का काम है, पढ़ने का, पढ़ाने का, स्वाध्याय करने का, ध्यान करने का, योग करने का, और हमारे को कोई कहे आपकी तरह कि चलो अभी 15-20 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, और फिर यदि हम लगा दें तो ये हमारी बहुत बड़ी तपस्या मानी जाएगी। और जो लोग भागदौड़ करने वाले हैं और उनको कोई कहे कि आपको 10-12 घंटे बैठना है, और वो यदि बैठ जाएं तो ये उनकी बहुत बड़ी तपस्या है, और ये तपस्या आप कर रहे हैं। पिछले 13 तारीख से लेकर के और आज तक तो ये बहुत बड़ी तपस्या है, पूरे दिन भर बैठना,
क्योंकि जिनको आदत नहीं होती है ना, तो उनको फिर पैर दर्द करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान ने आपका तो जन्म ही तपस्या करने के लिए किया है, आप तो पैदा ही तप करने के लिए हुए हैं, इसलिए आपको बिठाएं तो आप बैठ जाते हैं, दौड़ने के लिए कहें तो आप दौड़ने लगते हैं। तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूं, आपको प्रणाम करती हूं। महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है भारत में, और उस समय भगवान कृष्ण ने जो महान योद्धा थे अर्जुन, उनको एक ही उपदेश दिया, तस्मात योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू योगी बन जा पहले, बाद में युद्ध करना। युद्ध करने से पहले उन्होंने योगी बनने का उपदेश दिया। किस लिए दिया? क्योंकि यदि व्यक्ति योगी नहीं होगा तो वो युद्ध के मैदान में जाते समय या ड्यूटी पर जाते समय, जैसे अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि हमेशा ये खतरा ही बना रहता है, ड्यूटी पे जाते हैं तो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस समय व्यक्ति सारे उपदेश भूल जाता है। अर्जुन ने भी बहुत ज्ञान अर्जित किया था, बहुत पढ़ा लिखा था अर्जुन भी, लेकिन जिस समय युद्ध के मैदान में गया और जब अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो सब भूल गया, सब हेकड़ी भूल गया। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे को समझा रहा है, तू मेरा गुरु है कि मैं तेरा गुरु हूं? बोले नहीं, ये अपने ही लोगों के ऊपर हथियार चलाने से, इनको मारने से क्या फायदा, पाप का ही भागी बनेंगे हम, और इससे अच्छा तो हम सेवा करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, ये करेंगे। बोले भाई तू जो है ना मेरे को उपदेश मत दे, ये तो धर्म युद्ध है, अधर्म का नाश इनको तो मैंने ही मार दिया है, तू तो निमित्त मात्र बन जा, निमित्त मात्र भव सव्य साची, ऐसे कहा कृष्ण भगवान ने। जो भी पापी होता है, अत्याचारी होता है, दुराचारी होता है, निकृष्ट व्यक्ति या कोई राष्ट्र होता है, वो तो अपने कर्मों से ही मरा ही पड़ा है, वो तो अपने कर्मों से पहले ही पाप कर्मों से मर चुका है, उसको मार करके तो केवल तस्मात उत्तिष्ठ है यशो लभस्व, तू यश प्राप्त कर खड़ा होकर के, तुझे तो केवल यश प्राप्त करना है, इनका नाश तो मैंने ही कर दिया, और यदि तू ये यश प्राप्त नहीं करेगा तो कोई और करेगा। तो तब अर्जुन को समझ में आया। तो दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक तो बाहर का युद्ध, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी ही जाती है रोजाना।